नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने हथकंडे आजमाना शुरू कर दिए। भदोही जनपद की ज्ञानपुर समाजवादी पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष गुलाब पाल और प्रयागराज मंडल प्रभारी नरेश यादव के नेतृत्व में कोविड-19 एवं चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए की गई समीक्षा बैठक। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की योजना के बारे में बताना, जैसे सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, प्रत्येक फसल के लिए MSP प्रदान किया जाएगा, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी, 15 दिन में गन्ना किसानों को भुगतान किया जाएगा, किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, IT सेक्टर में 22 लाख रोजगार की व्यवस्था की जाएगी और पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। इन्हीं सभी वादों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के अंदर क्रांतिकारी विचारधारा प्रभावित करते हुए सोनभद्र जिले के चलकराय सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की विचारधारा रखने वाले मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी अति क्रांतिकारी विचारधारा के युवा समाजवादी नेता चंद्रमणि राय ने वर्तमान की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप जहां तक लड़ोगे हम वहां तक लड़ेंगे। आपको आपसे हाथ नहीं बांधने वाले हैं। हम युवा हाथ समाजवादी है, हमको कहीं नहीं लड़ा सकता। हम हिंदुस्तानी है, यह हिंदुस्तान की आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचेगी। चलना चलना बोलेगा, हम समाजवादी है। कान बोलता है ऐसा काम यह मजदूर सभा करेगी। हर व्यक्ति के अंदर से आवाज आएगी, जय समाजवाद, जय जय समाजवाद। आना पड़ेगा आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। ये मजदूर सभा सभी लोगों के हक अधिकार, जो उनका अधिकार है उसको दिलाने का काम करेगी। ये समाजवादी पार्टी की सरकार पिछली बार 2012 से 17 तक के बीच में 55 लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया। मजदूरों को, वंचितों को, शोषितों को, दलितों को, जो भी उस योग्य था, पात्र था, उसे 55 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया गया। मजदूरों को 9 लाख साइकिल वितरण की गई थी। छात्र छात्राओं को 18 लाख लैपटॉप वितरण कराया गया था। अभी आप कहते हैं बुल और बुलडोजर की बात करते हैं। ये बुल जो बैल परेशान करके रख दिया चारों तरफ, यही दिखाई दे रहा है बाबा जी सांड से हर बात करता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आप दरवाजा तोड़वा करके कुंदा कुंदा से ये ताकत का दुरुपयोग है। जो संविधान के तहत आपको प्रदत्त शक्तियां दी गई हैं, उसका शक्ति का दुरुपयोग आपके द्वारा किया जा रहा है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इतने छात्र पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अरे इतना तो मजनू भी नहीं पीटा होगा लैला के प्यार में, जितने बेरोजगार पीट गए एक चौकीदार की सरकार। इतना ये बर्दाश्त नहीं करेगा। युवा है, किसान है, मजदूर है, इंजीनियर भी मजदूर है, जो पब्लिक सर्वेंट है, जो गवर्नमेंट का पैसा लेता है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उस जगह बैठा हुआ है, कार्य कर रहा है, अपनी मजदूरी करता है, वो भी एक मजदूर है। हर कलम बंद व्यक्ति मजदूर है, हर इंसान के अंदर एक मजदूर है। हम आजाद हिंदुस्तान के नागरिक है, आप गुलाम बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। इस देश में प्रथम व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस ऐसे थे जिनके नाम के आगे नेता लगता था। आप उन्हीं से मैं प्रभावित हो, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं उनका भक्त कहता हूं, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें रोजगार दूंगा।